उमरेह ग्राम वासियों ने पूर्व सरपंच के विकास कार्यों के घोटालों की खोली पोल। क्या है उमरेह गांव की तस्वीर, आप भी देखिए। बाड़ी हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उमरेह गांव के लोग आज़ादी से पूर्व की तरह जी रहे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के उमरेह गांव, जो कि बाड़ी से 5 किलोमीटर दूर है, जिसमें लोग कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। उमरेह गांव जिले में सबसे बड़ा है, लेकिन सुविधाओं में सबसे पीछे। लोगों का कहना है कि जीवन की हर सुबह की शुरुआत कीचड़ से हो रही है। इस कीचड़ में से बदबू आती है और हमें घुटन सी होने लगती है। जब भी घर से बाहर निकलते हैं कीचड़ में पैर रखना पड़ता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उमरेह गांव के निवासी और हम उमरेह गांव में ही रहते हैं। यह कीचड़ पूरे गांव में हो रहा है। इस गांव की लंबाई लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन कीचड़ छोटी छोटी गलियों में भी भरा है। यहाँ के शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है कि पानी भरा हुआ है। सड़क पर जिसमें घुटने घुटने तक गड्ढे हैं, उनमें जाकर बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं। गांव वालों का कहना है कि वर्तमान सरपंच को इतने कार्य भी नहीं मिले कि पूर्व सरपंच ने एक ही सड़क पर 2-3 बार नाम बदलकर बजट को उठा लिया। पूर्व सरपंच ने ग्राम पंचायत में काफी घोटाला किया है। इस घोटाले की जांच कलेक्टर को करानी चाहिए। उमरेह ग्रामवासियों का कहना है कि गुड्डी देवी के कार्यकाल का विकास केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है, वह जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। गांव वालों ने पूर्व सरपंच के खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन उसने अधिकारियों से मिलकर जांच को रुकवा दिया। गांव के लोग अब वर्तमान सरपंच से उम्मीद लगाए हैं कि गांव का कुछ विकास हो सकता है। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह ने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि गांव की सड़कों को पक्का कराया जाएगा और गांव में नाले बनवाए जाएंगे, जिससे गांव का पानी बाहर निकल सके और कीचड़ से छुटकारा मिल सके। अभी हम इनको मंजूर कराएंगे, जिसके बाद कार्य कराएंगे। वर्तमान सरपंच ने 1-2 कार्य कराए हैं, जिससे गांव के लोगों को वर्तमान सरपंच पर भरोसा हो रहा है कि यह गांव का विकास कराएंगे। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? द्वारका प्रसाद। तो यहाँ कच्चा के बारे में आप क्या कहोगे, आप यहाँ क्या विकास हुआ है? अरे कच्चा इतना है, से डिवो ना याद रपट के गिरे पत्ते। अच्छा, किसी ने आपकी सुनवाई की है? काम ना कर रहे सुनवाई। कोई आपको यहाँ पूछने आया हो कि हालचाल आपके पूछे हो किसी ने? पूछे तो कहा थे पनैया देते मूड़े ने। सरपंच आया हो? सगा दुनिया। बाट पंच। और कोई विधायक नेता कोई आया हो, कोई अधिकारी आए हो प्रशासन के? जो कहता कौ आत ही ना ने आत वे तो नहीं आते तो मुड़े। यहाँ से स्थानीय विधायक है हमारे इलाके। और यहाँ बाबा के लिए जाते हैं तो मेन रास्ता यही है बाबा बिसनगर के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पर लोगों को क्या कहते हैं वो आने जाने वाले? और यहाँ गड्ढे हो रहे हैं, इनमें कोई फिसल भी जाता है क्या? हाँ, गाड़ी देते सेवक का देते दुखिया। तो यहाँ पर गिर भी जाते हैं क्या गड्ढों में? अरे गिर जाते हैं, फूट जाते हैं और बत्ती है जाता हॉस्पिटल में। क्या आपका नाम क्या है? निहाल सिंह। तो आपके गांव में ये स्थिति हो रही है कीचड़ की, और क्या व्यवस्था चल रही है और क्या यहाँ के नेता लोगों ने कार्रवाई की है, कैसा कार्य कर रहे हैं? भैया कछु कार्रवाई ना है रही जी। पहले धनीराम सरपंच रह चुके हुए जाने बजट उठा ले, फिर वो आप कराए दिए कागज में और वो पैसा उठा लें और वैसे आई ना ने। और जिस वहाँ पर जाते हैं जिस सड़क 20 फुट 25 फुट चौड़ी थी 10 फुट ना छोड़ी, चारों बंदे गए ले जाए चोरी करवाओ भैया का तरीका दे तो कुआ तो ना रहे दनिया में कहते हैं तो सुनवाई ना कत। अच्छा करी अब जेते हैं जिस सरपंच पतो पर भैया जी का करे का नहीं करे को जाने तो रेड़े पीट फेंक दी गाँव में। देखो जी का खच्चा डरे हो जाओ खच्चा हरो जाए बाद मेला को आते हैं जाती तो पटक खाच चले जाते हैं। अच्छा, जो आपके आपके पूर्व सरपंच हैं तो उन्होंने बजट उठा लिए हैं और कार्य हुए नहीं है। तो यानी उन्होंने एक घोटाला किया है सच ने। तो उसकी कोई जांच हुई है, कार्रवाई हुई है? नहीं कछु ना आया सच जी, तो वहीं रोके देते का पता ना ये वो पत्ते नीचे तक मिल रहे कैसे जी, तो वहीं रोके देते था कारी। अच्छा, और यहाँ पर जो लोग आते हैं जाती आते हैं बाबा बिसनेर के श्रद्धालु आते हैं तो वो यहाँ से निकलते हैं तो किस स्थिति में निकलते हैं? बहुत दुखी है के निकलते हैं सारे, ऐसा ऐसे गाँव और कटनो ही बहुत बेकार है सारे, तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता थोड़ा ही नहीं है, उसमें पटक लगती जाती है, साधन भिड़ जाती है, थक रही है और खच्चा में घोंटू खच्चा भरा है उसमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यमुना है। अच्छा, तो आपके यहाँ कीचड़ हो रही है? कीचड़ खच्चा है 100 मीटर भैया का आगे दे बहुत दिन आएगा जहाँ मैं तो कुछ सुनवाई ना कर रहा हूँ, ना सरपंच कर रहा हूँ ना बांट पंच कर रहे। और कोई अधिकारी वगैरह आया है? कोई ना आया जाए। कोई नेता आया हो? कोई ना आया, कोई सुनवाई ना कर रहा। आपके किसी ने हाल नहीं पूछे? हाँ किसी ने को ना पूछे का उन्हें। अच्छा, तो यहाँ से निकल करके बिसनगर बाबा के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कोई गिरते भी हैं? हो सेवक 50 होने गिरे हैं। अच्छा, तो यहाँ से निराशा होकर जाते हैं बाबा के लिए? निराश है कि और गाड़ी और देते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर
आपने किसी से कहा है यहाँ वार्ड पंच सरपंच या कोई नेता? खूब मका जी कह ली सरपंच खूब कह रही कि भैया आओ कजू कर दू आओ कर दू, कोई सरपंच ना सुनवाई कर रो। आपका नाम क्या है? राम बाबू। तो आपके गांव में ये कीचड़ हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पर लोग गिरते हैं, क्या लेडीजों की क्या स्थिति रहती है, बच्चों बुजुर्ग किस तरीके से निकलते हैं, इस बारे में आप बताइए। कहा बता मैं साहब, इसमें तो बहुत स्थिति खराब है रही है और कीचड़ इतना हो रहा है सो आप कछु पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ लेडीज और बच्चे फिसल भी जाते हैं क्या, इसमें गिर भी जाते हो? गिरते हैं, फिसलते हैं और गिरते हैं कीचड़ में। तो अच्छा, तो आपके यहाँ जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है, उसका कार्यकाल कैसा रहा? उसका ही तो कार्यकाल पूरा खराब रहा है, उसने तो बजट उठा ले, काम कराया नहीं है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मीर सिंह। तो आप यहाँ की पंचायत में आपकी में कैसा कार्य हो रहा है और पहले भी कैसा हो चुका है, उस बारे में बताइए। कछु ना है रहा, जो गरीब लोग हैं उन्हें कॉलोनी वगैरह नहीं मिलती हैं, जो अमीर हैं वैसे हैं थोड़े पैसे वाले हैं, खेती भी है उनके लिए कॉलोनी मिल जाती है। यानी जो ताकतवर हैं उनके लिए कॉलोनी मिल जाती है, जो गरीब लोग हैं उनकी कॉलोनी काट दी जाती है, आपका कहना है? हाँ, ये काट दी जाती है। तो यह किसने काट दी है, ऐसी स्थिति किस पूर्व सरपंच ने की है या वर्तमान सरपंच ने की है? पूर्व ने करी होगी, वर्तमान में तो अभी क्या है, अभी तो चल रहा है इसका कार्यकाल। तो यानी पूर्व सरपंच ने गरीब लोगों की कॉलोनी को काट दिया है और जो ताकतवर हैं उनके लिए कॉलोनी पास कर दिए हैं। हाँ। क्या आपका नाम क्या है? राजू। अच्छा, तो आपके यहाँ कीचड़ इतना क्यों हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई ना कर रहा भैया, और खोद रहे हैं माने थनाने और जबरदस्ती है रही है, बनी बनाई सड़क हुए रास्ता हुए बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब आपने किसी सरपंच या कोई नेता वगैरह आपके पास आया, आप किसी ने सफाई करवाई? भैया को ना कर रहा सुनवाई माई। अच्छा, पहले के सरपंच आए बिनू बजट उठाए गए, भैया मिस्टोन चल रही है वो अपने खातने में डाल रहे हैं और जो बेरोजगार रहे हैं तेने मिस्टो लेने अपने अपने सरपंच खा रहे हैं सब खचू मिलो ना सा मैंने और माए को सुनवाई ना सुन, तो गरीब आदमी ने की और सब मिले हुए काम है रहे जिन्हें के तो खच्चा मिटना रहा और बनी बनाई सड़क है बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, बजट उठ चुके हैं और वो काम हुए नहीं है, किसने, सरपंच ने जो प्रेजेंट वर्तमान में सरपंच है उसने या पूर्व पहले वाले सरपंच ने? ठीक उसा हम जानते ना अंगूठा छापे हम तो। वीरेंद्र सिंह, गांव में बरसाती पानी का निकास नहीं है, इसके लिए हमने राज्य सरकार को नरेगा के तहत प्लान भेज रखा है, राज्य सरकार पैसा देती है, जैसे ही हम काम शुरू कर देंगे, नाला प्लस इंटरलॉक खरंजा हमने प्लान में ले रखा है और जैसे ही सरकार हमको पैसा देती है, क्योंकि पक्के काम कलेक्टर साहब अभी दे नहीं रहे हैं, और जैसे ही हम प्रस्ताव भेज देंगे अपने और पक्के काम मंजूर होते ही काम चालू कर देंगे। जी, अभी आपके लिए गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य मिले हैं? हमारे लिए हमारी दो किस्त आती हैं, SFC और FFC, उनके तहत पानी की टंकी है, CC खरंजा हैं, ये कार्य कराए जा चुके हैं, कुछ कार्य चल रहे हैं। अभी ये पानी है तो इसके लिए नाला बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो नल नल घर लग जाएंगे तो कीचड़ ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा फैलेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? गांव की समस्या, जब तक नाले नहीं बनेंगे, पानी की निकासी नहीं होगी, जब तक कीचड़ नहीं मिटेगा, तो नाला बनाना तो ज़रूरी है, हम पूरी पूरी कोशिश में हैं और जहाँ तक होगी नाला बनाने का प्रयास करेंगे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।